हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। केबीएस जो है उसका सिलेबस भी कब का हो चुका है और आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, तो एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम आएगा जी अभी, तो आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे कि एचपीएससी का सिलेबस शुरू करवा दीजिए। सो इसमें जनरल पेपर जो है उसमें 3 सेक्शंस हैं और 2 सेक्शंस जो है वो एजुकेशनल पैडागोजी साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो वो दोनों सेक्शंस में आपको करवाऊंगी, बट जो स्टूडेंट्स खुद करना चाह रहे हैं वो कहाँ से कवर कर सकते हैं, अगेन मैं वहीं से शुरू करूंगी कि कहाँ से आप खुद कर सकते हैं जो खुद करना चाहते हैं। तो बुक्स और ऑथेंटिक सोर्सेस क्या होंगे, यही बुक्स जो मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट करूंगी, इन्हीं में से मैं भी आप लोगों को सिलेबस इसका करवाऊंगी। ठीक है जी, सो कैसे आप उसको कवर कर सकते हैं खुद से अगर करना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खुद से पढ़ना पसंद है। तो जिनको खुद से पढ़ना पसंद है वो बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी। मैं आप लोगों को ऑथेंटिक बुक्स बता दूंगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए ये है जी एचपीएससी पीजीटी के अभी एग्जाम है, एचपीएससी पीजीटी, और उसमें भी आई थिंक मेवात कैडर के हैं ये। ठीक है, बट जो भी है हमारी मतलब वो तो निकली हुई है ना, वैकेंसीज तो हैं, और जब वैकेंसीज हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। सो उसी के लिए मैं उसी से रिगार्डिंग आपके बारे आपके साथ इसको डिस्कस करूंगी। अभी पहला टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। एक्चुअली ना इसमें सिलेबस बहुत लिमिटेड और रेस्ट्रिक्टेड सा दे रखा है। ओके, बट उस रेस्ट्रिक्शन के अलावा भी कुछ एक चीजें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री आपको खुद ब खुद कर लेनी चाहिए, इसके अलावा जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ये जनरल पेपर है, ये आप खुद कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस है हरियाणा की, बेसिक न्यूमरेसी डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इसमें आई थिंक आप लोगों की अगर मैथ्स वगैरह नॉर्मल भी है आपका, सो आपको ज्यादा काम बस इस हरियाणा की जीके पे ही करना है, जनरल अवेयरनेस पे। स्टैटिक जीके होगा हरियाणा का कुछ ना कुछ पार्ट, और बाकी जो है करंट अफेयर्स वगैरह आप साथ साथ कर सकते हैं। उसके अलावा आपका सारा का सारा पोर्शन जो है वो साइकोलॉजी का है। पहला एजुकेशनल साइकोलॉजी, सो एजुकेशन में साइकोलॉजी का क्या रोल है, कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, वो सब पूछ रखे हैं। देन ऑब्वियसली ये पीजीटी का एग्जाम है हरियाणा के लेवल का, सो पीजीटी में इन्होंने सिर्फ अडोलेसेंट लर्नर जो है उनका डेवलपमेंट पूछा है। ठीक है, सो बेसिकली इससे यानी ये आप बिल्कुल साफ रखिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक आपको आना चाहिए, भले ही आपको मेजर फोकस अडोलेसेंट पे करना है। ठीक है, बिहेवियरल, क्योंकि जैसे मान लो पियाजे की थियरी है, अब उसमें अडोलेसेंट फोर्थ स्टेज है, दैट डजेंट मीन ना कि आप पहली 3 स्टेज छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो लर्निंग थियरीज या डेवलपमेंट थियरीज वो आपको स्टिल करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो बेसिक्स हैं थियरीज का या जो भी, जैसे अभी केवीएस के एग्जाम में बहुत बार नहीं भी आ रही हैं थियरीज क्योंकि उन्होंने सिलेबस में मेंशन नहीं की थी, बट अगर आ गई तो क्या, तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ये चीज आप पढ़ने से पहले। ठीक है, देन है जी बिहेवियरल, कॉग्निटिव और कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल का पूछा गया है क्या होता है, प्लस इसका इंप्लीकेशन पूछा गया है सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, यानी वही 11th 12th हम लगा सकते हैं। ऑल्दो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जब से एनईपी 2020 आई है तब से एनईपी 2020 में सीनियर वर्ड जो है वो हटा दिया गया है। 9th to 12th का जो हमारा पार्ट है, बच्चे हैं जो 9th to 12th में, उनको सेकेंडरी स्टूडेंट ही बोला गया है। ओके, सो ऑल्दो यहां पे सिलेबस पहले से मेंशन है, सीनियर सेकेंडरी इन्होंने दे रखा है, सो विल गो बाय दैट। देन है जी मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट के मैकेनिज्म्स क्या क्या होने चाहिए। सो मेंटल हेल्थ का जो है कॉन्सेप्ट है वो चाहे आप कोई भी स्टेज पे हो, पीजीटी टीजीटी पीआरटी कहीं भी, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। मैंने केवीएस के टाइम भी करवाया था एंड अगेन इसमें बात करेंगे एक बार। देन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इंप्लीकेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग। अब इन्होंने सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस दे दिया तो थोड़ा सा आइडिया आपको कंप्लीट इंटेलिजेंस के टॉपिक का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपसे इंटेलिजेंस का टेस्ट या नॉर्मल कोई चीज पूछ ले, और हमें तो ये सोच के गए थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस ही है सिलेबस में, तो सिर्फ वो ही करें, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, देन है पेडागोजी। कमाल की बात तो इन्होंने पेडागोजी की स्पेलिंग भी यहां गलत दे रखी है। पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड बात की गई, और वो भी किससे, एडोलेसेंट लर्नर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल्स उनका यूज कैसे करेंगे, टीचिंग मॉडल्स जो है वो बोले गए हैं आपसे, ये पर्टिकुलर 4 मॉडल्स की बात इन्होंने की है। प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कैसे आप प्रिपेयर
कवर करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल को और कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है। अब इन्होंने कोऑपरेटिव दे दिया तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, कॉम्पिटेंसी लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एटलीस्ट आपको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो यहां से कंक्लूजन आपका सिलेबस देख के ये निकलता है कि आपको ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये तो डिटेल में करने ही हैं, इसके अलावा साथ साथ कुछ एक और टॉपिक्स जो है वो भी आपको करने पड़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे आपका डेवलपमेंट बोला गया तो डेवलपमेंट ओवरऑल आपको पूरा डेवलपमेंट का टॉपिक का अंदाजा होना चाहिए, और आपने सी टेट या एच टेट, ऑब्वियसली एचपीएससी में तो एच टेट क्लियर किया होगा, बट नहीं पीजीटी में, हाँ पीजीटी में है ना एच टेट, ठीक है। सो कुछ ना कुछ आपने पीजीटी में एच टेट क्लियर किया होगा तभी आप शायद इसको फॉर्म को फिल कर पाए होंगे, तो वहां पे भी नॉर्मल सी साइकोलॉजी आती है, तो एक तरीके से ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ही होने वाला है। अब बात आती है बुक्स की। सो बुक्स में अगर हम बात करें तो जो ये नॉर्मल से सब्जेक्ट्स है ना, टॉपिक्स है ना, पहला रहा एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसकी डेवलपमेंट जो है एडोलेसेंट की, तो ये वाले टॉपिक्स आपको किसमें मिल जाएंगे, जे एस वालिया की बुक है जी, ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की, उसमें मिल जाएंगे, बिल्कुल एसेंशियल बेसिक है फाउंडेशन, तो जे एस वालिया की बुक है। ऑल्दो 2015 में पब्लिश हुई थी ये 2014 के एनसीटीई के सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद इसको जो है मॉडिफाई नहीं किया गया है, एडिशन इसका नया एडिशन हमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन जितना मुझे लगता है तो उस हिसाब से इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो सही है, मतलब बेसिक्स क्लियर करने के लिए और ये टॉपिक्स करने के लिए मोर देन इनफ है, बहुत अच्छे से इन्होंने बुक में अरेंज कर रखा है सिलेबस को, ठीक है। देन आता है ये बिहेवियर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये भी उसमें पॉइंट इसमें मिल जाएंगी मोस्टली चीजें, जो चीजें इसमें नहीं मिलेंगी वो चीजों के लिए हम एस के मंगल की बुक ले सकते हैं, वो भी साइकोलॉजी की, आप वो पढ़ सकते हैं। देन ये जो मॉडल्स है ना, एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स ही हैं ये तीनों, सो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स की एक फैमिली होती है और वो कहां पे मेंशन कर रखी है अच्छे से, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी बाय एस के मंगल, तो ये भी वहां पे मेंशन कर रखी है। अगेन एक और एस के मंगल की बुक है लर्नर लर्निंग एंड कॉग्निशन, उसके अंदर आपको कोऑपरेटिव लर्निंग वगैरह ये छोटे मोटे टॉपिक्स और जो है वो मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं तो ये बुक्स हैं आपके सामने, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय डॉक्टर जे एस वालिया, देन एडवांस साइकोलॉजी की है एस के मंगल की, एस के मंगल की ही एक बेसिक की भी है जिसको लर्नर लर्निंग और कॉग्निशन के नाम से बुक मिल जाएगी, देन एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है बाय एस के मंगल अगेन, ई ज्ञान कोश का मटेरियल है जो कि इग्नू का जो पोर्टल है, हमारा पोर्टल नहीं बोलूंगी, जो इन्होंने रिपोजिटरी जो चला रखी है जिसमें आपको प्रिंटेड मटेरियल आराम से मिल जाएगा। देन कुछ एक ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे मान लो मेंटल हेल्थ का ये टॉपिक इन्होंने दे दिया, सो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं कुछ एक जो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, मेंटल हेल्थ की पॉलिसी है एक वो आप लोगों को करवा चुकी हूँ, सो वो चीजें भी यहाँ पे भी जरूरी है, उनके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही जो गवर्नमेंट का हमें मिलता है वो हम प्रेफर करें बेटर रहेगा, ठीक है। अब पॉइंट ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये सारी बुक खरीदने की जरूरत है? देखिए जरूरत नहीं है, अगर आप खुद से पढ़ना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास होंगी तभी आप पढ़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी कल से इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड रोज आपको एक वीडियो मिल जाएगी, ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये 13 टॉपिक्स के मतलब 13 वीडियोस के अंदर 13 क्लासेस के अंदर आपके ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगी मैं, डिटेल में करवाऊंगी, हो सकता है वीडियो लंबी हो बट मैंने 13 जो है लेक्चर्स हैं उन्हीं में कंपाइल किया है इस सिलेबस को अच्छे से, सो उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डीप में हो सकती है या हो सकता है लंबी क्लासेस हो बट होंगी 13 लेक्चर्स में ही, ओके। सो कल से आपको ये वीडियोस और ये क्लासेस मिल जाएंगी जी, और फिर भी आपका मन है तो आप जो है ये बुक्स जो है प्रेफर कर सकते हैं, जरूरत मुझे लगती नहीं है कि आपको बुक खरीदनी चाहिए, अगर आपको मेरी वीडियोस से मेरी क्लासेस से समझ आ रहा है मटेरियल, सो पीपीटी देख के आप अपने जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, और मेजर तौर पे बात पता है क्या, जब पीजीटी की बात आ गई ना तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो सभी जितने भी एग्जाम्स आजकल आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अब जैसे मेंटल हेल्थ है या जो ये मॉडल्स हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग है, आपको इसमें कहीं भी डायरेक्ट जो है आरटीई एक्ट या फिर कोई भी ऐसे डायरेक्ट पॉलिसी एक्ट वो नहीं दे रखा है, ओके। सो इसमें फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल हमें मिलकर साथ में लेके चलना पड़ेगा, और मेजरली कॉन्सेप्ट्स पे फोकस है, तो आपको डिस्कशन सुनना ज्यादा जरूरी है, अगर आप खुद एनालाइज कर पाते हैं तो बुक से पढ़ के भी आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो कल से इस सिलेबस को शुरू करेंगे, जल्दी से कंप्लीट कराएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है सुपर टेट यूपी टेट वो करा दीजिए, अभी एक बार उनका नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उसकी भी पेडागोजी या साइकोलॉजी आप लोगों को करवा दी जाएगी, अभी एचपीएससी का आया हुआ है, पहले केवीएस हो गया, एचपीएससी का आया हुआ है 13 क्लासेस में, इट विल बी डन, उसके बाद कोई और जो है आपका टेट वगैरह मैं पकड़ लूंगी, दिखा करवा दूंगी आपको, टेंशन मत लीजिए उसकी,
ओके. और बाकी कोई भी टेट का एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, जो वीडियोस मान लो एचपीएससी के लिए डाली जा रही हैं या केवीएस के डाली जा रही हैं, वो एक बार देख लिया कीजिए. रीजन बीइंग आपके मतलब वो दिमाग में ना एक बार वो टॉपिक गो थ्रू हो जाएगा तो रहेगा कि अच्छा ओके ये तो सुना सुना टॉपिक लग रहा है. फिर जब आपके सिलेबस में भी अगर वो चीज हुई तो आप अच्छे से सोल्व कर पाएंगे उसको. सो जितनी भी वीडियोज मैं डालती हूँ वो एजुकेशन के फील्ड से ही रिलेटेड है, तो वो सारी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी, स्पेसिफिकली उन एग्जाम्स के लिए जहां पे सिलेबस मेंशन ना हो बिल्कुल भी. ठीक है, सो इट विल बी बेटर फॉर यू आप अगर कंटिन्यूटी में थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे टाइम निकाल के. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री. तो फ्री में इतना तो बनता है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड थैंक यू.